हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गौरी फैशन डिजाइनर में। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत नेक डिजाइन। तो इस डिजाइन को हम डोरी लूप और डोरी के साथ बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो नेक बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है। सबसे पहले बुकरम को ऐसे बीच सेंटर में से मोड़ेंगे। तो ऐसे मोड़ के मैंने नेक की मार्किंग कर रखी है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ तो देखिए, यहाँ से जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है, यह आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ जो नेक की गहराई है वो मैंने 4.5 इंच रखी है, ये देखिए। और यहाँ से मैंने नेक की गोलाई में मार्किंग कर ली है। तो ये मैंने 1.25 इंच की दूरी पे एक मार्किंग और की है, यह आप देख सकते हो। और ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का गैप दिया है, ये देखिए। और नीचे मैंने 1 इंच की दूरी पर ये मार्किंग की हुई है। तो ये हमारा नेक है नीचे और एक ऊपर, और यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा बीच सेंटर में। और ये हमारे दोनों साइड के नेक हैं। तो हम डबल नेक वाला ये नेक बना रहे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम छोटे वाले नेक की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एकदम फिनिशिंग के साथ में आपको कटिंग करनी है, क्योंकि छोटा वाला नेक हमारा दोनों साइड से बाहर की तरफ नज़र आएगा। तो इसलिए आप इसकी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कटिंग करें। और अब हम नीचे वाली मार्किंग पे से कटिंग करेंगे। और अगर आप आसान तरीके से कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके गौरी फैशन डिजाइनर ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने नेक की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। तो नेक हमारा कुछ इस तरीके से रेडी होगा, ये देखिए। जो बीच वाला एरिया है इसमें हमारा डिजाइन बनेगा, और ये हमारे दोनों साइड के नेक हैं। तो अब हम पेपर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, मैंने ये रजिस्टर पेपर लिया है। और बीच वाले नेक को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे जिसमें हमारा डिजाइन बनेगा। इसी नेक को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसकी दोनों साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पेपर की दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेंगे, नीचे वाली साइड में। तो ये मैंने पेपर के ऊपर मार्किंग कर ली है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो इसको हम एक साइड में रख देंगे, पहले हम अपना सिंपल वाला नेक तैयार करेंगे। तो ये मैंने अपने दोनों सिंपल वाले नेक लिए हैं। अब इनको हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे प्रेस से। अगर आपकी चिपकने वाली बुकरम नहीं है तो आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने चिपकने वाली बुकरम ली है, तो मैं इस पर यहाँ पे प्रेस से इसको चिपका लूँगी। और इसी तरीके से मैं छोटे वाले नेक को भी यहाँ पे चिपका लूँगी, ये देखिए। तो छोटे वाले नेक के लिए हम 2 कपड़ा लेंगे और बड़े वाले नेक के लिए हम 1 कपड़ा ही लेंगे। तो ये मैंने प्रेस से इसको चिपका लिया है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने मोड़ के इस पर सिलाई भी लगा ली है। अब इसको हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड को हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए। और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब हम अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है और इसमें ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हम नेक को ऐसे उल्टी साइड में पलट देंगे। तो ये मैंने नेक को इस तरीके से पलट दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं, मैं इस पे तुरपाई करूँगी। अब हम छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक कपड़े के ऊपर इसको प्रेस से चिपका लिया है और एक कपड़ा मैंने और लिया है। अब इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएँगे। ध्यान रखना है सिलाई आपको बुकरम के नीचे लगानी है। तो छोटे वाले नेक के लिए हमने 2 कपड़े लिए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब इस नेक को हम ऐसे सीधा करेंगे
इस तरीके से मोड़ेंगे, ये देखिए, और नीचे वाले कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ऊपर वाले कपड़े को तो हमने प्रेस से मोड़ के रखा हुआ है, और ऐसे दोनों कपड़े को बराबर करते हुए हम इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो आप इस पे पहले प्रेस कर लीजिए जैसे कि मैंने की हुई है, और फिर हम इस पे आराम से ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली है। तो सिंपल वाले दोनों नेक हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम डिजाइन तैयार करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए हमने अपना पेपर लिया है जिस पे मार्किंग की हुई है, और यहाँ पे मैंने कुछ डोरी के पीस लिए हैं। तो डोरी तो सिंपल वैसे ही बनेगी जैसे कि हम हर डिजाइन के लिए डोरी बनाते हैं, और इसमें से मैंने ढाई ढाई इंच के पीस कट किए हैं। अब हम इनके यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है, यहाँ से एक इंच छोड़ेंगे ऊपर से, और फिर एक या सवा इंच के गैप पर हम ये लूप अटैच कर लेंगे, ये देखिए। तो ऐसे हम अटैच करेंगे। आपको ध्यान रखना है डोरी ऊपर नीचे होनी चाहिए, ऐसे साइड में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे रखते हुए ये देखिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे, ये देखिए। तो ऐसे हम एक एक इंच की दूरी पे ये पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने एक साइड में ये लूप अटैच कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम ऊपर वाली साइड में भी अटैच करेंगे, बिल्कुल इनके सामने ऐसे रखते हुए और पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेने हैं। तो सिंपल वही तरीका है जैसे हमने नीचे की साइड अटैच किए हैं, ऐसे ही हम ऊपर की साइड अटैच करेंगे। और ये हमने दोनों साइड में अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसको हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाते हुए रखेंगे, ये देखिए, और अब हम इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। फिर हम छोटे वाले नेक को ऐसे रखेंगे, और इसकी हम नीचे वाली किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से सिलाई लगानी है। और अब हम छोटे वाले नेक को अटैच करेंगे। तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे रखेंगे, और इसकी नीचे वाली किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों नेक इसमें अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम पहले इसमें डिजाइन बनाएंगे यहाँ बीच सेंटर में, फिर हम इस पेपर को निकालेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा डोरी है नीचे की तरफ उनकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने डोरी ली है, और इसको सेफ्टी पिन की मदद से ऐसे डालेंगे यहाँ से, ये देखिए, और इसको हम आगे की तरफ ऐसे खींच देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर की सिलाई से ये सेट हो जाएगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर वाले में। तो यहाँ से देखिए नीचे की साइड से ऐसे, और इस तरीके से, और अब हम इसको ऐसे मोड़ते हुए और फिर इसमें नीचे की तरफ से डालेंगे, ये देखिए, और फिर से हम इसको ऐसे मोड़ते हुए इस तरफ घुमाएंगे। आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए ऐसे मोड़ना है और ऐसे निकालना है, और फिर से हम इसको ऐसे इस तरफ मोड़ेंगे, ये देखिए। तो डोरी आपको ना ज़्यादा टाइट खींचनी है और ना ज़्यादा लूज रखनी है, मतलब एकदम बराबर रखते हुए डोरी को, और हम इस डिज़ाइन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। तो कितना सुंदर हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है ना ये पीछे की तरफ।
तो इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक के ऊपर ये डिजाइन रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा डिजाइन रेडी करके फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपना पूरा डिजाइन रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो, और इसमें से मैंने पेपर को भी निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी शोल्डर की सिलाई आएगी, तो ये डोरी हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी। यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा डोरी है इसकी हम कटिंग कर देंगे, और इस साइड में भी शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा डोरी की हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए मैं आपको पहनकर दिखाती हूँ। तो देखिए पहनने के बाद में ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना हमारा ये डिज़ाइन। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।